नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप चाहें तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। बिहार में कर फ्लोर टेस्ट है, कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी के कुछ विधायक नहीं मिल रहे हैं। पहली बार बीजेपी को अपने विधायकों को बोधगया ले जाना पड़ा। कहा जा रहा था कि वहां प्रशिक्षण शिविर है, वैसे आज खत्म हो गया है। लेकिन सोचिए, नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं एक आपको संभावना बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। सोचिए, राजनीति में कुछ भी होता है। सरकार बनी नीतीश कुमार और जेडीयू की, बीजेपी की। बीजेपी चाह रही थी कि हमको गृह मंत्रालय मिल जाए, जो ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ है। नीतीश कुमार उसको अपने पास रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं और गृह मंत्रालय जो ब्यूरोक्रेसी की पकड़ है वो अपने पास रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कल अगर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती है, मान लीजिए बीजेपी के कुछ विधायक अब्सेंट रह जाते हैं, तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर बीजेपी राज्यपाल को आरजेडी को निमंत्रण देना पड़ेगा। अगर आरजेडी को निमंत्रण देते हैं तो सरकार बनेगी। लेकिन अगर सरकार, आपको लगता है जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन के पास समर्थन था, हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद रिजाइन किया और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा, उनके पास समर्थन था, तब भी 1.5 से 2 दिन लग गए, गवर्नर साहब नहीं बुला रहे थे। बिहार में अगर नीतीश की सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा और राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो सत्ता चली जाएगी बीजेपी के हाथ में। तो ये पहली बार होगा पिछले 30 सालों में कि सत्ता बीजेपी के हाथ में चली जाएगी। आप सोचिए, गवर्नर शासन मतलब बीजेपी की सत्ता। तो ज्यादा संभावना है कि अगर बीजेपी के विधायक अब्सेंट रह जाए तो ये मत सोचिए कि आरजेडी ने खेला किया है। हाँ, नीतीश कुमार के विधायक अगर अब्सेंट होते हैं तो आरजेडी ने खेला किया है। लेकिन अगर बीजेपी के विधायक अब्सेंट होते हैं तो मान लीजिए कि बीजेपी ने खेल किया है और राष्ट्रपति शासन लग गया और सत्ता चली गई बीजेपी के हाथ में, और 1 तीर से 2 निशाना। नीतीश कुमार भी निपट गए और आरजेडी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। और कंट्रोल जो है, अभी तक पिछले 15 साल लालू यादव के पास सत्ता था, 15 साल से नीतीश कुमार के पास सत्ता थी। इस बार अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो सत्ता बीजेपी के पास चली जाएगी और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा बिहार में। तो आरजेडी को बहुत फायदा नहीं, लेकिन आरजेडी को ऐसे भी नुकसान नहीं है। आरजेडी अगर नीतीश की सरकार बच भी जाती है तब जाकर सत्ता का कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा। अगर सरकार गिर जाती है, जिसकी पूरी संभावना है, कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायक भी कुछ नॉट रिचेबल हैं। आज श्रवण कुमार के यहाँ भोज था, वहां 5-6 विधायक नहीं पहुंचे, नीतीश जी नाराज होकर चले आए। कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी 1-2 दर्जन विधायक टच में नहीं है, जो बोधगया में जो चल रहा था प्रोग्राम। तो बीजेपी बहुत फायदे में दिख रही है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अगर नीतीश कुमार की सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा और राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल के जरिए सत्ता बीजेपी के हाथ में जाएगी और सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा आरजेडी के माथे पर कि उसने सरकार गिरा दी। लेकिन सवाल है कि इसके लिए नीतीश कुमार खुद दोषी हैं और नीतीश कुमार से ज्यादा उनका, कहा जा रहा है कि उनके जो सवर्ण सिपहसार हैं उन्होंने उनको बहुत ठगा है, झूठा उनको जानकारी देकर, झूठ बोलकर कि आपके विधायक नाराज है, जबकि अब खबर आ रही कि उनके विधायक सब चाहते थे कि आरजेडी के साथ गठबंधन रहे। सोचिए, पिछले 1.5-2 सालों में कितना काम हुआ, वहां जाति जनगणना हुआ, 65% रिजर्वेशन हुआ, 2.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। तो ये बड़ा काम हुआ था जिससे वहां बहुत सारे मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा था और उन्होंने नीतीश कुमार को चढ़ाकर, उनके कान फूंक कर सरकार गिरवा दिया और अब नीतीश कुमार की खुद की सरकार फंस गई है। और अगर कल नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आपको लगता है कि बड़ी कायदे से तो सबसे बड़ा दल आरजेडी है, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा भी लगभग दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि अगर वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो क्या गवर्नर उनको बुलाएंगे? झारखंड में तो देखने को मिल रहा था कि गवर्नर साहब खेल कर रहे थे, क्या बिहार में नहीं होगा खेला? तो नीतीश कुमार की सरकार गिरी मतलब बीजेपी की सत्ता दूसरे तरीके से आ जाएगी, गवर्नर रूल होगा, बीजेपी के पास में सत्ता होगी, इसकी भी संभावना है। तो असली खेला तो बीजेपी कर सकती है।
वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है किसान आंदोलन। सोचिए किस तरह से किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो आज की बड़ी खबर है। और सोचिए कि एक बीजेपी की सरकार है, आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, और आप देखिए कि किस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है। और किसानों ने कहा था कि वो आएंगे, आंदोलन करेंगे, और अब कहा जा रहा है कि नहीं, किसानों को आंदोलन नहीं करना है, उनको आंदोलन नहीं करना है किसानों को, और वहाँ कीले लगाई जा रही है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के बिहार बोधगया में अमित शाह नहीं आएंगे, जब भाजपा के 23 विधायक ही गायब हैं, क्या चीज़ की गिनती करने आएंगे। खत्म हो गया भाजपा का प्रशिक्षण बोधगया में, अमित शाह के बगैर पहुँचे ही, अब राष्ट्रपति शासन की हो रही तैयारी। ये प्रतीक पटेल ने बड़ी खबर दी है। हो सकता है कि बीजेपी के विधायक ही इसमें शामिल न हो, वो मतदान में हिस्सा न ले और राष्ट्रपति शासन लग जाए, और इससे बीजेपी को बदला लेने का भी मौका मिल जाएगा नीतीश कुमार से। पहले भी नीतीश कुमार दो दो बार बीजेपी का साथ छोड़े हैं, तो ये भी सच हो सकता है। प्रतीक पटेल जो हैं वो जेडीयू के बड़े कैडर थे और वो लगातार सोशल मीडिया पर लिखते थे। प्रतीक पटेल, उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रपति शासन की हो रही है तैयारी। तो नीतीश पहली बार बिहार में सत्ता नीतीश कुमार और लालू यादव के हाथ से निकलकर सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में जा रही है, ये बात अब ध्यान दीजिए। तो पहले पेपर लीक होता था तो कहा जाता था सरकार लीक हो गई, अब पेपर लीक पर चारों तरफ सन्नाटा है, आरओ एआरओ पेपर लीक। सोचिए राजेश साहू ने ट्वीट किया है, राजेश साहू ने खबर चलाई थी कि किस तरह से दरोगा की भर्ती के लिए सेटिंग हो जा रही है, उसके बाद भी किस तरह से उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और यह अब मन्नू कुहार, उन्होंने सारे भाइयों हाथ जोड़कर राम राम भाई, आज पंजाब के कोने कोने से ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो अपने अपने गांव से निकल चुकी हैं, और 13 तारीख की सुबह सारी ट्रैक्टर ट्रॉली हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचेंगी। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से सारी चल रही है। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखे होंगे। मेरे हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती है कि 13 तारीख की सुबह जो शंभू बॉर्डर है, जो खनौरी बॉर्डर है, जो डबवाली वाला बॉर्डर है, आसपास के जिला के तमाम किसान वहां पर पहुंचे, और बाकी जो जिला के किसान है वो पूरे हाई अलर्ट पर हैं। मेरी प्रार्थना है, ये हमारा करो या मरो का आंदोलन है। 13 तारीख को किसी भी किसान भाई का ट्रैक्टर घर पर नहीं होना चाहिए, उसका ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर होना चाहिए। सरकार ने बेशक इंटरनेट बंद कर रखा हो, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई जा रही है, लेकिन आपको किसी अफवाह पे विश्वास नहीं करना है। तो ये अभिमन्यु कुहार हैं, और कई जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, शहरों पर कील बोया जा रहा है, और ये किसान नेता अभिमन्यु कुहार वो किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। देखिए इस तरह से परमानेंट सड़कों पर ढलाई हो रही है, ये भी भारत में पहली बार हुआ होगा। हम लोग तो जानते थे कि खेतों में अन्न की बुआई होती है, और अब सरकार जो है वो किल की बुआई करे। हरियाणा में सरकार जो है वो सड़कों पर किल की खेती कर रही है। सोचिए राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, दिन रात झूठ की खेती करने वाली मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है, वो दो गुनी आमदनी वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फैसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर 60% बढ़ गए। तो राहुल गांधी आजकल फुल फॉर्म में है, SC ST OBC किसानों की लगातार बात कर रहे हैं, तो ये भी सोशल मीडिया पर। राकेश टिकैत ने कहा है कि उनके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव और आराधना भार्गव को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने भारत बंद किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत बंद है और ये उनके किसानों को अरेस्ट किया गया है, ये भी बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और सोचिए क्या सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर खबर है, किस तरह से किसानों के लिए ना आए वो दिल्ली, इसलिए सड़कों पर कील की बुआई कर दी गई है, कील रोप दिए गए हैं। और ये आज़ाद भारत में पिछले 5 सालों से चल रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं था कि जनता को आंदोलन करने से रोका जाता था, दिल्ली आने से रोका जाता था, और उसके बाद भी ये देखिए किसानों का काफिला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है, सोचिए हरियाणा की सरकार सड़कों पर कील बिछा रही है, ये भी हम लोगों ने पिछली बार ही देखा था जब सिंगू बोर्ड तमाम बॉर्डरों पर कील लगा दी गई थी, सरकार ने कील ठोक दिए थे ताकि टायर पंचर हो जाए, गाड़ियां ना हो, तो ये भी पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था। अगर इसी तरह से कांग्रेस ने कील लगाया होता
तो बीजेपी आज सत्ता में ना होती, क्योंकि रोज पहले भारत बंद होता था, जब विपक्षी दल भारत बंद करते थे, जब इस देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 60 साल चूंकि कांग्रेस ही रही है, तो कम से कम धरना प्रदर्शन आंदोलन की तो इजाजत थी। लेकिन आज वाली जो सरकारें हैं वो धरना प्रदर्शन आंदोलन के पक्ष में नहीं है। आपको अपनी बात नहीं कहनी, आपको जो भी कहना है 5 साल बाद वोट देकर कहिएगा। वोट को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि भैया वोट तो दे दें, लेकिन ईवीएम को वोट देते हैं, वोट पता चलता है किसको जा रहा है पता ही नहीं है। तो ये भी बड़ी खबर है, और कील वाला एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम इस बातचीत को पूरी ख़त्म करेंगे। और आप लोग को एक और बात जानकर हैरानी होगी कि एक टनल है दिल्ली में, ठीक सुप्रीम कोर्ट के बगल में टनल बना है। टनल मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसे एक फ्लाईओवर होता है ऊपर से, एक नीचे से सुरंग वाला होता है। 788 करोड़ रुपए के लागत से टनल बना, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो करके उसका उद्घाटन किया। 788 करोड़ का टनल रोड शो करके प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और वो 2 साल में खराब हो गया। आप सोचिए, उस पर कोई टीवी अखबार की रिपोर्टिंग नहीं है, कोई खबर नहीं है। अब सोचिए अगर किसी दूसरे राज्य में होता तो क्या होता। और मध्य प्रदेश में एक खबर है क्या हुआ है, बता रहा हूं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2021 के दौरान, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21 5-6 साल में एक ही परिवार के 3-3 बार पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया, एक एक परिवार को 3-3 बार। ये भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ये बस खबर बता रहा हूं। बीजेपी के राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता है। ये देखिए कील। अरे को भाई बलाडा रोड लसील करता देखो मीखा। तो ये भी आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कि सड़कों पर कील की खेती हो रही है, कील बोया जा रहा है ताकि आप धरना प्रदर्शन न करें। तो ये आज की सोशल मीडिया पर सारी अपडेट खबरें थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब कब तक चलेगा, जब तक हैं तब तक आपसे जुड़े हुए हैं, हम कब तक रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं, तब तक जुड़े हुए हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो भी मिला है डेमोक्रेसी से मिला है। इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और चूंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो जैसे अगर मैं सेना में नौकरी कर रहा होता तो लड़ाई के समय भागूंगा नहीं, अगर मैं टनल खोदने वाला होता, रैट रैट वो जो चूहा विधि से जो टनल बचाने वाले थे जिसको रैट स्नैकर्स कहा जाता था, तो उनको भी पता था कि हमारे ऊपर भी खतरा आ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम के, अपने जो एथिक्स हैं, जो अपना प्रोफेशन है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं तो मेरी कोशिश है कि तमाम मुश्किल हालातों को झेलकर आप तक सही और सच्ची खबरें लाई जाए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।